डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एयर ब्रेक के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में एयर फिल्टर लगा है, उसके बाद कंप्रेसर लगा है, उसके बाद अनलोडर वाल्व लगा है, उसके बाद एयर रिजर्वायर लगा है, उसके बाद एयर रिजर्वायर के बाद एयर ब्रेक्स और ब्रेक वाल्व लगे हैं। और इसमें जो ब्रेक की मैकेनिज्म है, वो शुरुआत यहाँ से होती है, एयर फिल्टर और एयर इन, मीन्स एयर फिल्टर के थ्रू ही एयर आती है। एयर फिल्टर के थ्रू एयर आती है, लेकिन आती कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर लगा है। कंप्रेसर का काम है कि एटमॉस्फेरिक एयर को, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली एयर को सक करना और उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना। मीन्स जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेरिक मीन्स एक बार पे है, दो बार, तीन बार, जो भी जितना भी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से सिलेंडर लगा होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर हमें चाहिए तो ज़्यादा प्रेशर का सिलेंडर लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अनलोडर वाल्व लगा है, मीन्स ये बंद करने खोलने के लिए होता है। उसके बाद एयर रिजर्वायर, मीन्स जैसे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हवा भराने जाते हैं वहाँ पे गोल गोल सिलेंडर रखा होता है, दैट इज एयर रिजर्वायर। एयर रिजर्वायर मीन्स एयर का स्टोरेज का टैंक, एयर का स्टोरेज का टैंक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेस्ड एयर टू एक्सेसरीज लिखा है, मीन्स अगर हमें कहीं और ज़रूरत है, जैसे रैचेट को चलाने के लिए या फिर कोई अदर आइटम को चलाने के लिए, तो वहाँ से भी, या फिर कहीं हमें गाड़ी में हवा भरनी हो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं एयर रिजर्वायर के बाद ब्रेक वाल्व लगा होता है, ब्रेक वाल्व लगा होता है। उसके बाद ये सब पाइप के थ्रू कनेक्शन होता है, मीन्स कंप्रेसर हर जगह पाइप, यहाँ भी एयर फिल्टर के बाद पाइप के थ्रू कंप्रेसर में आएगा, कंप्रेसर के बाद एयर रिजर्वायर में जाएगा, एयर रिजर्वायर के बाद हम ये ब्रेक वाल्व के थ्रू जो है चारों पहिए में जाएगा, वो भी पाइप के थ्रू। लेकिन उसके रिजर्वायर और पहिए के बीच में ब्रेक वाल्व लगा होता है। ब्रेक वाल्व मीन्स जाता है किसी भी चीज़ को खोलना है, बंद करने के लिए वाल्व लगा होता है। तो यहाँ ब्रेक वाल्व में मतलब क्या है कि हम अगर यहाँ पे एयर रिजर्वायर में से प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसा कि अभी पहले हमने बताया था कि हाइड्रोलिक ब्रेक में हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, मास्टर सिलेंडर में वही प्रेशर बढ़ाते हैं, तो वही ब्रेक शू के पास जाता है और ब्रेक शू अपना काम करता है, मीन्स वो फैलता है और ब्रेक ड्रम को रोक देता है। उसी तरह इसमें भी है, ब्रेक वाल्व लगा होता है। ब्रेक वाल्व जब हम पैडल लगाते हैं तो ब्रेक वाल्व का है, वाल्व खुल जाता है, वाल्व खुल जाने से वही पाइप के थ्रू प्रेशर हर पहिए में चला जाता है, पाइप के थ्रू प्रेशर हर पहिए में चला जाता है, मीन्स लेफ्ट राइट चारों पहिए में जाएगा और चारों पहिए में प्रेशर जाएगा। जैसे ही प्रेशर जाएगा उसका सिलेंडर मूव करने लगेगा लेफ्ट, एक सिलेंडर, क्योंकि एक सिलेंडर में दो पिस्टन लगे होते हैं, एक लेफ्ट राइट, मतलब एक लेफ्ट शू के लिए एक राइट शू के लिए। जैसे ही शू फैलेगा ब्रेक लग जाएगा। मेन इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हमारा काम है, ये हमारा जो जनरल नॉर्मली ब्रेक में क्या होता है कि जो हम पैर से प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं वही कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली ब्रेक शू में, और कहीं से पावर ऐड नहीं होती है। इसमें मेन फ़ायदा ये है कि हम प्रेशर ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मीन्स अगर हम ज़्यादा प्रेशर का यहाँ कंप्रेसर लगाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा, रिजर्वायर में ज़्यादा प्रेशर स्टोर होगा और वही प्रेशर हमारा पहिए पे जाएगा। मीन्स जैसे इसलिए ज़रूरी होता है कि हीवी व्हीकल बहुत भारी होती है और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम ब्रेक पैड से ही दबा के लगा दें, क्योंकि बॉडी में इनर्सिया बहुत ज़्यादा होता है तो इतना आसान नहीं होता रोकना। उसके लिए हमें किसी और असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, असिस्टेंट इसमें यही है एयर प्रेशर। हम जितना भी चाहे प्रेशर बढ़ा सकते हैं, हमारा काम यही है खाली वाल्व को खोलना। वाल्व ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा प्रेशर जाएगा, वाल्व कम खोलेंगे तो कम प्रेशर जाएगा, बस। इसलिए हमने देखा होगा कभी कभी ट्रक में आवाज़ भी होती है जब ब्रेक लगती है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक लगती है उसके बाद फिर जो यहाँ पे पहिए के पास जो ज़्यादा प्रेशर चला गया रहता है, जैसे हम ब्रेक छोड़ते हैं वो वहाँ से एक वाल्व लगा होता है, वो प्रेशर रिलीज होता है, मीन्स वाल्व खुल जाता है। अगर यहाँ पहिए के पास जो प्रेशर गया है अगर वो पीछे लौटेगा नहीं या खुलेगा नहीं तो पहिए का ब्रेक कभी छूटेगा नहीं, तो वही जो एयर बाहर निकलती है उसी की आवाज़ हमें आती है। तो आप देख सकते हैं कि एयर ब्रेक सिंपल है, हाइड्रोलिक ब्रेक की ही तरह है, बस यही है कि हाइड्रोलिक ब्रेक में हम जो प्रेशर लगाते हैं वही जाता है, इसमें है हमारा काम खाली है ब्रेक वाल्व को खोलना, और उसके बाद और सब कुछ सिस्टम पर डिपेंड करता है कितना प्रेशर हम चाहते हैं कितना नहीं चाहते हैं।